ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड यानी कि बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर की बात चल रही है और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे, थर्ड तक खत्म हो गया था, जो कि है पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से लग रहा है, पॉली मतलब मोर देन वन, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहते हैं, और किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में जब ढेर सारे न्यूक्लियस हो उन्हें बोलते हैं पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल तौर पर मैंने कहा कि ये एक सिंपल सा न्यूक्लियस है और इसके साथ अगर हमने एक दो न्यूक्लियस और जोड़ दिया, देखिए हमने क्या किया, एक साथ कई न्यूक्लियस को जोड़ दिया, कंपाउंड को जोड़ दिया, या इस तरह समझ लीजिए जैसे एक कंपाउंड है। ठीक है, ये सब क्या है, देखिए एक से ज्यादा इसमें रिंग है और ऐसे कंपाउंड को पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आर दो साइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स मोर देन वन साइक्लिक न्यूक्लियस। ठीक है, दे आर कॉल्ड पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। नाम से क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। अब पॉली न्यूक्लियर दो प्रकार के हो सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियस दोनों आपस में जुड़े हैं उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आइसोलेटेड रिंग पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन एंड द सेकंड इज फ्यूज्ड रिंग पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो आइसोलेटेड मतलब क्या, जिस वजह से मैंने कहा कि ये एक रिंग है, ये एक बेंजीन है और ये दूसरा बेंजीन है और बीच में क्या है, एक मिथिल ग्रुप लग गया है। तो ये दोनों रिंग जुड़े तो है लेकिन ये आपस में जो एक दूसरे की बाउंड्री से नहीं जुड़े हैं बल्कि बीच में किसी कार्बन से जुड़े हैं। दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड रिंग सिस्टम। ठीक है ना, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई, इसको बोल सकते हैं मेथिल डाइफेनिल। ठीक है, या डाइफेनिल मेथिल बोल सकते हैं। अच्छा, इसी में एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। चलो ठीक है, ये एक फ्यूज है, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ये भी क्या है आइसोलेटेड है, डाइफेनिल है, एक दो तीन, बीच में तीन कार्बन है तो हम बोल सकते हैं प्रोपिल डाइफेनिल। ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये किसके एग्जांपल है, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। अब क्या है, अगर इनके बीच से बाउंड्री को हटा दिया जाए और दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएंगे फ्यूज्ड रिंग सिस्टम। केवल आप समझते जाइए, नोट्स ऑलरेडी वेबसाइट पे है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्यूज्ड रिंग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ये ले लिया। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है और हमने इसके साथ ये लगा दिया, ये बेंजीन रिंग। अब इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। ठीक है, इसका नाम क्या है, नेफ्थलीन। क्लियर होगा दोस्तों। अब इसी नेफ्थलीन के साथ एग्जांपल क्या है, हम एक और रिंग एग्जाम सिस्टम लेते हैं। देखो ये फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है, फ्यूज्ड रिंग सिस्टम में क्या होता है कि बाउंड्री आपस में जुड़ी होती है। अब देखो यहाँ पे तीन, ये दो रिंग था, दो न्यूक्लियस था, यहाँ पे तीन न्यूक्लियस है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंथ्रासीन। ये सब आपको पढ़ना है सिलेबस में। ठीक है, फेरेंथ्री और एंथ्रासीन, सीधा आसान है, बस रिंग देखते चलो। या एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम लोग फ्यूज रिंग सिस्टम का, दो एग्जाम्पल थे आइसोलेटेड के, अब हम तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्यूज रिंग सिस्टम के। ये हो गया, यहाँ पे इस रिंग को इस पोजिशन पे जोड़ो, यहाँ पे तीन रिंग है, यहाँ पे तीन रिंग है, यहाँ दो रिंग है, एंड दिस इज कॉल्ड फेरेंथ्रीन रिंग। अब आपको याद होगा कि फेरेंथ्रीन रिंग कहाँ पाया जाता है, जी हाँ, अगर आपको एस्टेराइडल का स्ट्रक्चर याद होगा तो उसमें कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलता जुलता है जिसे हम लोग बोलते हैं फेरेंथ्रीन रिंग। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा सीधा सा टाइप्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, आइसोलेटेड का एग्जाम्पल देख लिया और फ्यूज्ड का एग्जाम्पल देख लिया। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है नेफ्थलीन। अब हम शुरू करेंगे नेफ्थलीन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ये तुम्हारा एक सिंपल सा जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला जो इसमें कंपाउंड है जो हमको पढ़ना है डिटेल में सिलेबस में, दिस इज नेफ्थलीन। अब हम नेफ्थलीन के बारे में बात करेंगे। तो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर आपने देखा है थोड़ी देर पहले, क्या था कि डबल बेंजीन रिंग जुड़े होते हैं इसमें नेफ्थलीन में। तो डबल बेंजीन रिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेफ्थलीन। तो चलिए देख लेते हैं, हेड डालिए नेफ्थलीन, नेफ्थलीन सबसे पहले कंपाउंड को पढ़ते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, देखिए दिस वन, ठीक है, ये हमारा है नेफ्थलीन। अब इसको अगर नंबरिंग करना चाहे तो कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 कार्बन का कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C10। ठीक है, अब H गिन लीजिए कहां पे कितने होंगे, यहाँ पे सब पे एक 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 है, यहाँ पे होगा C10H8 है शायद, इसको कैलकुलेट कर लेना और फिर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, 120 यह हो गया और 128, यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 128।
ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो नैप्थलीन डाल के आप इसको लिख सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, लिखेगा नैप्थलीन इज अ फ्यूज्ड रिंग सिस्टम, ठीक है, इन विच टू बेंजीन रिंग्स आर अटैच्ड विद द 6, 5, and 10 पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नैप्थलीन इज C10H8T8 एंड द मॉलिक्यूलर वेट इज 128। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी प्रॉपर्टी में 4-5 पॉइंट हमको समझना है कि सबसे पहले कि नैप्थलीन हमें मिलता है कहां से है। नैप्थलीन मिलता है कोल तार से, ठीक है, जो कोल तार जानते हैं, जहां से कोल तार निकाला जाता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में नैप्थलीन पाया जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल तार एंड इट इज रिच, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नैप्थलीन इज कोल तार। दूसरा, एक सिंपलेस्ट फ्यूज रिंग है, ठीक है, इसमें आसानी से कोई भी दिक्कत नहीं है। इट इज अ सिंपलेस्ट फ्यूज रिंग सिस्टम ऑफ टू बेंजीन एटम। तीसरी बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की, ये कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर में पाया जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी बिलो 180 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है। जैसे आपने मोम देखा होगा, मोम की तरह कुछ कुछ होता है। और ये वाटर में कंप्लीटली इनसॉल्युबल है, क्योंकि आपको देखा इसमें कोई भी पोलर ग्रुप नहीं लगा है, नॉन पोलर है, इसलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल है। और ये जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन, उसमें ये पूरी तरह से सॉल्युबल होते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पे देख के लिखनी। अब हम बात करेंगे, अगली हेडिंग है डेरिवेटिव ऑफ नैप्थलीन। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि नैप्थलीन के साथ अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल लगा दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में दो प्रकार से डेरिवेटिव हो सकते हैं। अगर इसमें एक ही ग्रुप लगाए तो उसे कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव, और एक से ज्यादा ग्रुप लगा दे तो पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में डायरेक्ट पहली हेडिंग मोनो सब्स्टिट्यूशन, तो क्या इसमें लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको सामने कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूं और इसी स्ट्रक्चर को बार बार मिटा के बनाऊंगा। आप लोग क्या कीजिएगा, उसको बार बार अलग कॉपी में अलग अलग बनाइएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर यह नैप्थलीन है, अगर इसमें यहाँ पे हमने OH ग्रुप लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा नैप्थॉल। क्या हो जाएगा, नैप्थॉल। नाम क्यों है, क्योंकि OH का मतलब ऑल होता है, तो जाएगा अल्फा नैप्थॉल। पोजीशन चेंज कर देंगे, कहीं और लगा देंगे तो यहाँ लगा देंगे तो बीटा नैप्थॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा नैप्थॉल। अच्छा ठीक है, अब इस OH को हटा के यहाँ पे हम NH2 ग्रुप लगा दें तो नाम हो जाएगा अल्फा नैप्थॉल अमीन, ठीक है, क्योंकि अमीन ग्रुप होता है ना, हो जाएगा अल्फा नेफ्थॉल मीन या नेफ्थॉल अमीन। ये भी डेरिवेटिव हो गया। किसका डेरिवेटिव है, मोनो सब्स्टिट्यूशन का डेरिवेटिव है। इसी तरह से अगर हम इसको यहाँ पे हटा के यहाँ पे बेंजीन रिंग और लगा दे, अगर यहाँ पे इस एटम को हटा के, तो क्या हो जाएगा, अल्फा नेफ्थोन। क्या नाम हो जाएगा, अल्फा नेफ्थोन। अगर यहाँ पे हम हटा के इसको CHO ग्रुप लगा दे तो नेफ्थलडिहाइड, ठीक है, तो नेफ्थॉल, नेफ्थोन, नेफ्थलडिहाइड, नेफ्थॉल अमीन, ये सब किसके डेरिवेटिव है, ये मोनो डेरिवेटिव। तो आपको सारा एग्जांपल अलग लिखना है। अब हम बात करेंगे, अगली हेडिंग है पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। पॉली का मतलब अगर हम ढेर सारे ग्रुप लगा दें, जैसे मैंने यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, तो नंबरिंग 1, 2, 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-methyl, ठीक है, अल्फा नेफ्थॉल, ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, 3-methyl अल्फा नेफ्थॉल। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे हटा के यहाँ पे ब्रोमो लगा दें तो 3-bromo अल्फा नेफ्थॉल। अगर यहाँ पे हमने अगर चलो CL लगा दिया तो क्लोरो अल्फा नेफ्थॉल, कहीं और लगा दिया तो डाई क्लोरो अल्फा नेफ्थॉल, ठीक है। इस तरह से ढेर सारे ग्रुप लगा के आप पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा था डेरिवेटिव। अब हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कैसे इसको बनाते हैं। दो मेथड है, हावर्थ प्रोसेस एक और प्रोसेस है, फिर इसके केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज की। तो चलिए देख लेते हैं इसका कि इसको कैसे पढ़ना है। तो नैप्थलीन के सिंथेसिस का जो सबसे पहला प्रोसेस है उसको हावर्थ प्रोसेस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है। इसमें क्या करते हैं, आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले बेंजीन रिंग लेते हैं और बेंजीन रिंग लेने के साथ हम एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं जो रिंग है। अब इस रिंग में आपको देख रहा है स्ट्रक्चर में क्या है कि ऑक्सीजन सी डबल बॉन्डो CH2 CH2 सी डबल बॉन्ड। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जो होगा, यहाँ से जब ब्रेक होगा, ये वाला जब हम बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे दोस्तों, ये वाला बॉन्ड, तो CO- और C पे प्लस चार्ज आएगा। तो H2O के प्रेजेंस में जब कराते हैं तो H2O का जो ये O- वाला पार्ट है उसका H+ पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा, और वो वाला मॉलिक्यूल जाके बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। अब हम जब रिडक्शन कराएंगे तो दोस्तों क्या होगा, जो रिडक्शन कराने पर अगले स्टेप में जितने भी कीटोन ग्रुप के सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, दोनों ऑक्सीजन रिमूव होकर वहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, जिसकी उपस्थिति में होगा जिंक हाइड्रोक्लोराइड की उपस्थिति में, और ये हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल बनेगा। अगले प्रोसेस में क्या करेंगे, हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे तो अब ये OH मॉलिक्यूल यहाँ से इस H को लेकर H2O अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये वाला OH यहाँ से इस बेंजीन के साथ H लेके अलग हो जाएगा H2O, और रिंग यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं।
ठीक है। अब एक बार फिर से रिडक्शन हम करा देंगे तो ये सी डबल बॉन्ड वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन कराने के बाद हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, और डबल बॉन्ड क्रिएट करके ये नैप्थेलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये स्टेप आपने कॉपी में देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और इसी तरह से बना लीजिएगा। दूसरा मेथड है बनाने का है, पहला है, दूसरा है बाई फेनिल ब्यूटारिक एसिड। देखिए फेनिल ब्यूटारिक एसिड आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेंजीन रिंग के साथ ब्यूटारिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच टू सी ओ एच, ठीक है। तो ये ब्यूटारिक एसिड है, जब भी इसका हम सल्फोनेशन कराएंगे, जैसे पहले देखा था कि इस बेंजीन रिंग का एच निकलेगा, ब्यूटारिक एसिड का ओ एच निकलेगा, वाटर निकलेगा, और ये रिंग आके यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा। फिर रिडक्शन कराने पर रिंग से जो ऑक्सीजन है वो एटम गायब हो जाएगा, वहाँ पे सी एच टू लग जाएगा, और फिर से जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो फिर से ये नैप्थेलिन का रूप ले लेगा। ये दूसरा स्टेप बहुत ही आसान है, दूसरे तरीके से हमने इसको देख लिया, ठीक है। तीसरा मेथड है प्रिपरेशन है बाई फेनाइल ब्यूटेन। जैसे आपने देखा था बिल्कुल बस ब्यूटारिक एसिड जैसा ब्यूटीन लगा दिया है, सेम मॉलिक्यूल है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसको, और जब हम डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो ये रिंग आपस में जुड़ जाते हैं, फिर हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करने पर ये नैप्थेलिन का रूप ले लेते हैं। तीन मेथड ऑफ सिंथेसिस आपने यहाँ पे देख लिया। अब बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ नैप्थेलिन की। तो नैप्थेलिन का बताया था कि जो कुछ तो कॉमन रिएक्शन है, ठीक है, कुछ कॉमन रिएक्शन जैसे देख लेते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि भैया जो होगा ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल। तो जब नैप्थेलिन का परमैग्नेट के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं पहले रिएक्शन में फ्रेंड, तो जो ये मॉलिक्यूल्स बीच के बॉन्ड टूटते हैं और दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ जाते हैं, यानी बेंजीन के साथ टू सी ओ एच ग्रुप लगेगा जिसको थैलिक एसिड कहा जाता है, ये रिएक्शन देख लीजिएगा। दूसरा है केमनेफोर को अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो ये थैलिक एसिड का निर्माण होता है, यहाँ पे ये हो गया पैथैलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, पैथेलोनिक एसिड बन गया, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है, बस एक सी ओ ग्रुप बढ़ जाता है, ठीक है। और इसका क्रोनिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर ये नैप्थोल क्यूनोन बनाता है, क्योंकि इसके डबल बॉन्ड जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पर ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ जाता है और ये नैप्थोल क्यूनोन का रूप ले लेता है, ठीक है। और जिंक और वाटर के साथ ओजोनोलिसिस कराने पर भी ये थैलिकल्डिहाइड का रूप ले लेता है। ये सारे रिएक्शन ऑक्सीडेशन आपको याद करने हैं। दूसरा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन कराने पर क्या होगा, आपको पता है कि जितने भी हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड है वो टूटेंगे, उसी जगह पर बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और वहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। तो जब हाइड्रोजन प्लेटिनम से रिडक्शन कराते हैं तो डाइकेलिन बनता है, डाइकेलिन में मतलब सारे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड गायब हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड है। और दूसरा जब निकल की उपस्थिति में कराते हैं तो टेट्रालिन का फॉर्मेशन होता है, यानी सिर्फ एक ही रिंग का डबल बॉन्ड गायब होगा, पूरा कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। एथेनॉल और सोडियम के साथ रिएक्शन कराने पर ये डाइहाइड्रो टेट्रालिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है कि ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में एड सब्सटीट्यूशन और एडिशन रिएक्शन बहुत आसानी से होता है। इसमें डबल बॉन्ड टूटेंगे और डबल बॉन्ड टूटने के बाद कोई भी दो मॉलिक्यूल आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर क्लोरीनेशन कराने पर क्या हो रहा है कि एक डबल बॉन्ड टूट रहा है और वहाँ पे दो एच की जगह पे सी एल सी एल जुड़ रहा है, तो ये हो गया डाई क्लोरो एडिशन प्रोडक्ट। और फिर से सी एल टू से कराएंगे तो चारों हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, चारों जगह क्लोरीन लग जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा टेट्रा क्लोरो। और पूरा लगा देंगे तो फाइव सी एल टू से कराएंगे तो डेका क्लोरो हो जाएगा, यानी सारे डबल बॉन्ड को रिमूव करके क्लोरीन को हम ऐड कर सकते हैं। अगली बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो आपको पता है सल्फोनेशन कराएंगे तो SO2 घुलेगा, H2O निकलेगा, है ना, आपको H2SO4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन सारे कॉमन है। इसके पहले के चैप्टर में आपने सारे रिएक्शन कर लिया है। सल्फोनेशन नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में कराते हैं H2SO4 के साथ तो नाइट्रो नेफ्थलिन बनता है। एल्कालेशन कराने पर आपके 2-methyl नेफ्थलिन बनता है। एसाइलेशन कैसे कराते हैं, सारा रिएजेंट आपको याद है, एसाइल क्लोराइड LCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है। और हैलोजिनेशन कराने पर ये बनना है, तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, ये हमारा जो नैप्थेलिन हो गया, ये प्रोडक्ट हमारा खत्म हो गया। अब हम नैप्थेलिन के बाद बात करेंगे फेनेंथ्रीन की, लेकिन इससे पहले नैप्थेलिन का मेडिसिनल यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे मेडिसिनल यूज ऑफ जो फेनेंथ्रीन लिखा है वो गलत है दोस्तों, वो नैप्थेलिन है। पहला तो है कि नैप्थेलिन जो उसके डेरिवेटिव होते हैं वो कई काम में आते हैं। जैसे पहला काम क्या है कि ये थैलिक एनहाइड्राइड के प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे मैंने रिएक्शन में देखा। ये डाइज यानी कलर बनाने के काम में आते हैं। नैप्थेलिन जो डिरिंग डेरिवेटिव होते हैं वो कार्बेग्रोल ड्रग्स के इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो होते हैं बीटा ब्लॉकर ड्रग की तरह यूज़ होते हैं। ये सल्फोनेटेड जो नैप्थेलिन होता है वो सर्फेक्टेंट की तरह भी यूज़ होता है। नैप्थेलिन सल्फोनिक एसिड जो होते हैं ये प्लास्टिसाइजर और रबर बनाने में काम आते हैं, ठीक है। ये लेदर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, ये सब ठीक है, आपको याद करना है। मोल्टेन जो नैप्थेलिन होता है उसको बेसिकली हम सॉल्युबल एरोमेटिक कंपाउंड्स को जो प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं होते, पुअरली होते, उनको सॉल्युबल करने के लिए यूज़ करते हैं। हाउस होल्ड में नैप्थेलिन का यूज़ फंगिसाइड की तरह किया जाता है। नैप्थेलिन का यूज़ जो होता है वो प्लास्टिक और बियर बॉटल्स के बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ ढेर सारे इसके यूज हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास जब आपसे मिलेंगे फिर से बोर्ड में, तो हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ नैप्थॉल की और इसके केमिस्ट्री की। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।